बसंत पंचमी के दिन मैंने कहा था जप करने के विषय में, कृपया हाथ खड़ा करें जो लोग जप करें। बहुत अच्छे, माताएं जीत गई हैं, इधर कम हाथ उठे, इधर तो बहुत हाथ उठे, ऑलमोस्ट 80%। बहुत अच्छे। हम लोग प्रारंभ पहले उस मंत्र से ही करेंगे, फिर आज के विषय में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे ही बैठ जाइए जैसे आप अपने रोज के जप के समय बैठते थे, रीढ़ की हड्डी सीधी और शरीर स्थिर करके। Namah Shivaya.
शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय, नमन है भो, मतलब नमन है शंभो, उस आदि देव महादेव को प्रणाम है भो शंभो स्वयं भो, जो अपने आप से है, जो स्वयं प्रकाश है, गंगाधर शंकर करुणा कर, गंगा जिसके शीश पर है, शंकर जो मन के सभी संशयों का नाश कर देता है, वो है शंकर, करुणा कर जो करुणा करता है, मामव मुझे भव सागर तार कह, मुझे इस मन के मेरे भावनाओं के सागर से तारो महादेव। महादेव यहाँ गुरु को कह रहे हैं, महादेव उस आदि देव शंकर को कह रहे हैं, जो ज्ञान के योग के स्रोत हैं, आदि देव हैं, प्रथम गुरु हैं। नमन है ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर ओम नमः शिवाय। आज एक विधि तुमको देती हूँ,
अपनी अंगुलियों को, तीन हिस्से हैं, एक और दो, दो लाइन है ना, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो अगले बार जब आप जप के लिए बैठे, ओम तो ओंकार स्वरूप है मेरा भी, महादेव का भी, इसलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उंगली पर अंगूठा चलता है साथ में, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमन करता हूँ हे शिव, शिव मतलब आनंद स्वरूप, कल्याण स्वरूप परमात्मा, निर्गुण ब्रह्म, मैं आपको नमन करता हूँ। पर इसी का दूसरा अर्थ भी है, ना मैं शिवाय, मैं हूँ ही नहीं, ना मैं शिवाय, ना मैं शिवाय, ना मैं शिवाय, मैं नहीं, मैं कौन सा, देह इंद्रिय मन बुद्धि वाला मैं, ये तो मृगजल है, ये तो मैं हूँ ही नहीं, कौन, शिवाय शिवाय, ना मैं शिवाय, ना मैं शिवाय, ये इसका वेदांत का अर्थ होता है। अभी जो हम आपसे एक प्रार्थना स्तोत्र करा रहे हैं, ये पूज्यपाद स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज का है। भो शंभो शिव शंभो स्वयं भो, भो मैं नमन करता हूँ, शंभो हे महादेव, शिव कल्याण स्वरूप आनंद स्वरूप, स्वयं भो जो स्वयं प्रकाश है, निर्गुण पर ब्रह्म स्वरूप, गमागम भूत प्रपंच रहित, जिसका स्वरूप निर्गुण है। अब देखिए दोनों आ रहे हैं, निर्गुण भी आ रहा है, सरगुण भी आ रहा है। पहले कहा सरगुण महादेव, कौन, जटाजूट धारी गंगाधराय, नागेश्वराय मृगशालाय, त्रिपुंड धारी त्रिशूल करदारी। ये तो महादेव का जो भौतिक स्वरूप है उसकी बात हुई। अब एक आज बड़ा रहस्य तुमको खोल दूं, अगर कोई अनन्य भाव से, अनन्य श्रद्धा से इस मंत्र के संग मानसिक शिव का आवाहन करता है, जिसके शीश पे गंगा, जो करुणा का स्वरूप है, जो त्रिपुंडधारी है, पर स्वरूप से जो निराकार है, पंचभूत रहित है, और पंचभूत में गमा गम समाया हुआ है, ठसा ठस वही है, पर फिर भी उससे असंग है, अरूप है, अभेद्य है, अव्ययम है। तो महादेव का, अगर उनका जो शरीर का स्वरूप है, शंकर जी का जो शरीर का स्वरूप है, अगर पूर्ण एकाग्रचित वृत्ति करके इस मंत्र से पाठ करे, तो निश्चित रूप से उसको महादेव का दर्शन होगा, ना हो नहीं सकता। मन की शुद्धि होनी चाहिए, मन की वृत्ति इधर उधर नहीं जानी चाहिए। और जैसे महादेव अपने तन पर भस्म लगाते हैं, भस्म मतलब वैराग्य, संसार को भस्म समझता है जो, तो महादेव का भक्त कौन हो सकता है, वही हो सकता है जो संसार को भस्म समझता है, जो संसार को त्याज्य समझता है, जो संसार को मिथ्या जगत प्रपंच जानता है। धीमित निज गुह निहित नितांत अनंत, निज गुह, गुह मैंने मेरे हृदय की गुफा में, मेरे मन की गुफा में जो विराजमान है, निहित है, नितांत पूर्ण रूप से,
अनंत आनंद अतिशय अक्षय लिंग। अक्षत है वो, क्षत जो तोड़ा जा सके, अक्षत indestructible, that who is indestructible is Shiva, that which is indivisible is Shiva, that which is one is Shiva, that who is omnipotent, omniscient is Shiva. Akshat, Atishaya, Akshaya, Linga. Linga word means symbol, sign. So what is symbol of that Mahadev? Only Akshataha. Only a ling can be the sign. Matanga munivara vandita ish sarva digambara veshtita vesh. Matanga rishi jiski puja karte hain, aradhana karte hain, wo ish hain, wo ishwar hain, sarva mein hain. Digambara veshtita vesh, akash hi jiska vastra hai. पूर्ण रूप दिगंबर है, जो आकाश ही जिसका वस्त्र है, वो है महादेव। नित्य निरंजन, नित्य नटेश, नित्य इटर्नल नटेश, गॉड ऑफ डांस। नित्य नटेश निरंजन, निरंजन वेर देर इज नो डर्ट, नो ब्लेमिश, ब्लेमिश फ्री, प्योर वर्जिन। ईश सबेश सर्वेश, इन ऑल फॉर्म्स, इन ऑल नेम्स एंड इन ऑल फॉर्म्स, द वन हु एग्जिस्ट इज शिव। ईश सबेश सर्वेश। अब अपने नेत्र बंद करिए, आंख बंद करके, नेत्र बंद करके और मन में शिव का स्वरूप जो मैं वर्णित कर रही हूं, अपनी भावना से, अपने भावना से उसको अपने नेत्रों के समक्ष लाने की, अपने मन की आंखों के सामने लाने की चेष्टा करें और इस प्रार्थना को अपने हृदय से उच्चारित करें। शंभो शिव शंभो स्वयं भो, भो 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 शंभो शिव शंभो स्वयं भो, शंभो शिव शंभो स्वयं भो, शंभो शिव शंभो स्वयं भो, भो शंभो शिव शंभो स्वयं भो, भो शंभो शिव शंभो स्वयं भो, भो शंभो स्वयं भो, शंभो शिव शंभो स्वयं भो, शंभो शिव शंभो स्वयं भो।
Nitya Niranjana, Nitya Nanda.
नटेश नित्य निरंजन नित्य नटेश ईश सवे शंभो स्वयं ओ शंभो शिव 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 शंभो स्वयं ओ ओ शंभो शिव शंभो स्वयं 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 ओ गंगाधर शंकर करुणाकर गंगाधर शंकर गंगाधर शंकर गंगा गंगाधर शंकर करुणा कर माम भव सागर तारक माम भव सागर तारक ओ शंभो शिव शंभो शंभो स्वयं ओ शंभो शिव 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 शंभो स्वयं ओ Shambhu.
शिव शंभो 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 शंभो अरुणाचलम पर्वत पर ब्रह्मा के मानस पुत्र वशिष्ठ जी बैठे थे और अपने पूर्ण रूप से एकाग्रचित मन से आपने आवाहन किया महादेव का। और जहां आवाहन अभी चल ही रहा था कि कर्ण में स्वर आया, ऋषि वशिष्ठ मैं उपस्थित हूं, कहो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। महादेव के इस सुमधुर वचन को सुनकर के एकाग्र हुए ऋषि वशिष्ठ का मन विक्षिप्त हुआ, अर्थात मन में लहर उठी और नेत्र खोले और सामने अपने पाते हैं महादेव को प्रस्तुत और अत्यंत मनोभाव से, अत्यंत श्रद्धा से, अत्यंत प्रेम से ऋषि वशिष्ठ महादेव जी का सत्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, महादेव को आसन पर विराजमान होने को स्थान देते हैं और वशिष्ठ जी दोनों हाथ जोड़ करके सन्मुख खड़े हैं और महादेव पूछते हैं, पुनः कहो क्या चाहिए, कहो क्या सेवा करूं। वशिष्ठ कहते हैं, प्रभु कुछ चाहिए तो नहीं, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि तीनों काल में मिथ्या जगत में से मैं क्या मांगू, और तीनों काल में जो वस्तुएं सिर्फ प्रतीत होती हैं कि उत्पन्न हुई हैं पर वास्तव में वो है नहीं, मैं क्या चाहूं उनसे। महादेव कहते हैं, हे वशिष्ठ जी, आप तो पूर्ण रूपेण ब्रह्मवेत्ता हैं, ज्ञानी हैं, आत्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, मैं आपको क्या कहूं, क्या समझाऊं, कुछ चाहिए पूछ ही तो सकता हूं, और आप कहते हैं कुछ चाहिए नहीं, पर फिर भी आपने मेरा आवाहन किया तो प्रश्न पूछना तो बनता है कि क्यों बुलाया। वशिष्ठ जी कहते हैं, आपकी इस सारी सृष्टि में अगर कुछ दर्शनीय है तो वो आप ही तो हैं, आज सिर्फ आपका दर्शन करने हेतु आपको पुकारा है। ये बात कहने के उपरांत महादेव भी मौन हो गए और वशिष्ठ जी भी मौन हो गए, और वशिष्ठ जी एक टक लगाए महादेव के स्वरूप को निहारते हैं, देखते हैं। और आनंद पूर्वक इस दर्शन को प्राप्त करके उनका हृदय गदगद होता है, आनंद का उत्सर्ग होता है, और महादेव अपने इस विशिष्ट ऋषिवर को अपने समीप पा करके उनकी इस मनोदशा को देख करके, उनके अतीव वैराग्य अतीव श्रद्धा पूर्ण चित्त को देख करके महादेव इतने आनंदित हुए कि आनंद में ही समाधि हो गई।
बड़े लंबे काल तक ऐसे ही वशिष्ठ जी खड़े रह गए और महादेव समाधिस्थ रह गए। और कहते हैं उधर पार्वती जी को बड़ी चिंता हो गई कि भगवान गए कहाँ, तो भगवान को ढूंढते ढूंढते वो वहाँ पहुँची, कहाँ, वहीं अरुणाचलम में जहाँ वशिष्ठ भी थे और महादेव भी थे। और वहाँ जब देवी पधारती हैं तो क्या देखती हैं कि वशिष्ठ जी खड़े हैं चुपचाप मौन और भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं, और भोलेनाथ तो समाधि में चले गए। पार्वती बड़ी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई कि इतनी मुश्किल से तो महादेव की समाधि टूटी थी, ये फिर लग गई समाधि इनकी बाबा की, अब समाधि तोड़ेगा कौन। तो महादेव जी के समीप आकर के खड़ी हुई तो वशिष्ठ देखते हैं कि अरे माता आप कहां से आ गईं। पार्वती ने कहा मेरे स्वामी तो तेरे यहां हैं, तो जहां मेरा स्वामी मैं तो वहीं जाऊंगी। कथा बड़ी अद्भुत है। अब इसमें बैकरी बाणी का इस्तेमाल नहीं हुआ। बैकरी बाणी मतलब व्हेन यू स्पीक, व्हेन यू यूज योर टंग, दैट इज कॉल्ड बैकरी बाणी। सो दिस कॉन्वर्जेशन इन बिटवीन वशिष्ठ एंड महादेव एंड इन बिटवीन पार्वती एंड वशिष्ठ इज नॉट हैपनिंग वर्बली, नॉट हैपनिंग थ्रू स्पीच, नॉट हैपनिंग थ्रू वैखरी, दैट इज फ्रॉम माइंड टू माइंड। वशिष्ठ जी ने देवी का दर्शन किया, मन ही मन प्रणाम किया और तुरंत से आंखें फिर महादेव जी पर ले गए और महादेव का ये भौतिक रूप का दर्शन कर रहे हैं। अब बड़ा लंबा समय हो गया, पहले शिव गए कैलाश छोड़ के, फिर गई पार्वती कैलाश छोड़ के, तो गणेश सोचते हैं कहाँ गए ये, क्योंकि राक्षसों ने बड़ा उत्पात मचा के रखा रहता है, तो क्या मालूम हमारा भोला पिताजी फिर किसी राक्षस के चंगुल में तो नहीं आ गए। वरदानी है, अगरदानी है, जो मांगे तो दे देते हैं। तो गणपति जी ढूंढते 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 चक्कर लगा के वो भी पहुंच गए अरुणाचलम पर्वत पर, जहां महादेव समाधि में वशिष्ठ जी दर्शन कर रहे, पार्वती जी भी उनके समीप खड़ी हैं। और वशिष्ठ और महादेव के मध्य में जो इतना प्रेम की गंगा बह रही है, उस गंगा में गोते माँ पार्वती भी लगा रही हैं। और जब गणपति आए तो देखते हैं ऐसा सुंदर विचित्र दृश्य, ये हो क्या रहा है। पर बुद्धि वरदानी है जो, उसको समझने में देर न लगी कि यहाँ लीला हो क्या रही है। तो गणपति जी दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी के श्री चरणों में विराजमान हो गए। अब वहीं वो भी वहीं बैठ गए। फिर कहते कैलाश में नंदी को फिक्र हो गई कि कहाँ गए, ये भी गए वापिस नहीं आए, चक्कर क्या है, कहाँ गए। फिर वो निकले, फिर नंदी ढूंढते 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 कहाँ आ गए, अरुणाचलम। क्या देखते हैं, ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में महादेव भी हैं, पार्वती भी हैं और गणपति जी भी वहीं नीचे जमीन पे बैठे। तो जहां भोलेनाथ नंदी वहीं। तो नंदी आकर के इस अद्भुत विहंगम दृश्य का दर्शन करते करते वहीं मूर्तिस्थ हो गए, मूर्तिस्थ हो गए, मूर्तिवत हो गए, वहीं बैठ गए, क्योंकि जहां महादेव वहीं नंदी। और फिर पीछे कड़ी चल पड़ी, पीछे पीछे सर्प आ गए, पीछे पीछे भूत आ गए, पीछे पीछे प्रेत आ गए। तो जो अरुणाचल में योगी वशिष्ठ का आश्रम था, अब वो तो कैलाश हो गया, क्योंकि कैलाश में रहने वाला भूपति वहीं पर, कैलाश की महारानी वहीं पर, गणपति वहीं पर, नंदी वहीं पर, भूत वहीं पर, सर्प वहीं पर, सब तो वहीं हो गए। अब वशिष्ठ जी के मन में एक विचार आया कि महादेव
मैंने तो आपको बुलाया था, ये सब तो नहीं चाहिए, तो अब आप ना वापस ही जाओ अपने कैलाश पे। दर्शन हो गया, अब आप पधारिए। महादेव आसन से उठ खड़े हुए। जैसे ही उठे तो पार्वती पूछती है, प्रभु आप तो यहां बैठ गए, आपको ये स्मरण भी था कि कैलाश में हम सब आपकी राह तक रहे हैं? महादेव कहते हैं, मेरा ऋषि जब मुझको पुकारे, जब ऋषिवर मेरा आवाहन करे, तो देवी ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं उसके सन्मुख जाऊं नहीं, और जब मैं सन्मुख आ जाता हूं तो फिर उसके ऊपर है वो, जब तक चाहेगा मुझको वहीं बैठना पड़ेगा, जब तक वो न मुझे छोड़े अपने मन से मैं जा नहीं सकता हूं। और देवी, अब ऋषि वशिष्ठ के मन में ये वृत्ति उठ गई है कि प्रभु अब आप जाइए कैलाश में, रहिए और कैलाश में अपनी लीलाओं को करिए, अब आप यहाँ न रहें तो उत्तम रहेगा। तो अब देवी समय आ गया, चलो अब चलते। तो महादेव गए तो संग संग पार्वती, पीछे पीछे गणपति, पीछे पीछे नंदी, उसके पीछे सर्प, उसके पीछे भूत, सब के सब निकल लिए। इस कथा का अभिप्राय क्या है? इस कथा का अभिप्राय यह है कि जिसका मन योगी मन हो जाता है, जिसका मन संसार की वृत्ति विषय वासना से रहित हो जाता है, जिसका मन रोग मोह शोक से मुक्त हो जाता है, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता है, वो जिसको याद कर ले वो वही उसके सामने प्रकट हो जाता है। वो महादेव का स्मरण करते हैं वशिष्ठ, तो महादेव जी प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं, और महादेव के पीछे पीछे उनका पूरा परिवार भी चला आता है। अर्थात जो सिर्फ ईश्वर से अपने चित्त को जोड़ते हैं, उनको बिना चाहे बिना मांगे बिना कोई इच्छा उत्पन्न किए, समस्त माया जिनके लिए चरणों में बिछने को तैयार हो जाती हैं, तो उस ऋषि की जो पदवी है वो कितनी श्रेष्ठ होती है, वो कितनी महान होती है। इसलिए गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सुखमनी साहब में ये लिखा, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर स्वरूप होता है, और उस परमेश्वर का स्वरूप का दर्शन करने के लिए स्वयं शिव स्वयं महेश्वर भी उपस्थित हो जाते हैं। तो अपने मन को निर्मल बनाइए, अपने मन को द्वेष राग के राक्षसों से मुक्त करिए, अपने मन को इतना निर्मल बना लीजिए कि इस निर्मल मन में जिसकी चाहेंगे फिर उसी की छवि जो है वो बन जाएगी। ऐसा जानो, रात्रि को जब आप सोते हो तो स्वप्न आपको आते हैं, तो स्वप्न आपके कैसे होते हैं? जो दिन भर में आपने किया होता है, पिछले महीने, पिछले साल, पिछले 10 सालों में, पिछले 20 सालों में, पिछले जब से जन्मे हैं, जब से यादें हैं आपके मन में, तब से वो सब यादें, चीज़ें, जो घटनाएं घटी, जो खाया, जो पिया, जो दुख, जो सुख हुआ, जो देखा आपने, जो सुना आपने, उन सभी संस्कारों का एक कॉम्बिनेशन बनता है, और सपने में आप सब दृश्यों को देखते हैं। तो आपका स्वप्न है, आप बनाते हैं, कोई और तो नहीं बनाता। अब आपके सपने कैसे होंगे? जैसे संस्कार आपके मन में होंगे। अब कोई मन बहुत रजोगुणी है,
तो सपने में भी बस वो कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी यो कर रहा है, और हर बार सपना ऐसा होगा कि उसका कोई काम सपने में पूरा नहीं होगा। कितने लोग हैं जिनके ये सपना होता है कि वो एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनका पेन नहीं चल रहा है, या उनकी पेन गुम हो गई है, या उनको उनकी आंसर शीट नहीं मिल रही है, या उनका ज्योमेट्री बॉक्स खो गया है और टीचर कह रहा है पेपर दे दो, टाइम हो गया है, और वो सोचता है मेरा तो पेपर ही नहीं हुआ अभी, मैं कैसे दे दूँ। हड़बड़ाहट के सपने होते, कष्टकारी सपने होते। कोई देखता है सपने में, कोई डूबता ही रहता है, जब देखेगा सपने में डूब रहा है, पानी में डूब रहा है, बोट में बोट टूट गई है। कभी देखता है तो सपने में सांप पिछू ही काट रहे हैं, कोई देखता है तो सपने में अजीब अजीब गुंडे पीछे पड़ गए हैं, मारने को दौड़ रहे हैं, वो भाग रहा है, वो जान बचा रहा है, वो यहाँ वो वहाँ। अब ये सब स्वप्नों की स्थिति इस बात का निर्णय दे रही है कि इस व्यक्ति का मन अति भय से भरा हुआ है, अति डर से भरा हुआ है। जिसके मन में भय होगा उनको ऐसे ही मरने के, कटने के, लूटे जाने के सपने आते रहेंगे। जिसके मन में भय होगा वो अपने आप को पानी में डूबता हुआ, आग में जलता हुआ, पहाड़ से गिरता हुआ वो सपने में अपने आप को देखता है। तो दिन में जो हमने मन की स्थिति बनाई होती है वही स्थिति हमारी रात्रि स्वप्न में भी होती। दिन में हम भागे फिरते हैं सारा समय, सोच विचार करते रहते हैं सारा समय, और स्वप्न में भी फिर वही भाग दौड़ जो है वो चलती रहती है। अब एक साधक का मन देखिए, साधक का मन एकाग्रता पर काम करता है, अपना मन निर्मल करने में काम करता है, अपने चित्त को जप की शक्ति से परिपूर्ण कर लेता है। अब देखो जब आप मंत्र साधना करते हैं तो मंत्र करते 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 एक ऐसी स्थिति आ जाती है, आ जाएगी, आ जानी चाहिए, मैं तीनों बातें कह रही हूँ, आती है, आ जाएगी और आ जानी चाहिए, जिसमें शरीर कहाँ बैठा है इसका एहसास भी ना रह जाए, और कितना समय हो चुका है इसका एहसास भी ना रह जाए, और मन मंत्र कर ना रहा हो, मंत्र अपने आप से जैसे चल रहा है। ऐसा नहीं कि मन में मंत्र भी चल रहा है और दुनिया के विचार भी चल रहे हैं, नहीं नहीं, नॉट लाइक दैट। व्हेन यू सिट डाउन टू डू योर मंत्र एंड इफ द मंत्र इज हैपनिंग इन अ करेक्ट वे, देन अ टाइम वुड कम दैट यू विल लूज द सेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस, एंड यू विल ऑल्सो लूज द सेंस of that you are doing something because the mantra is as if happening on its own. And you are now just mere enjoying that mantra vibrations occurring in your body and your mind. The whole body can be so still and so calm and so peaceful and so much joy in the mind that your tears will be flowing. It will be overwhelming, but yet so ecstatic and yet so concentrated and yet so peaceful and integrated. Mantra kar rahe hain, man itna thahar jayega, kahan baithe pata nahi, kab se baithe pata nahi, aur itna anand ki netron mein ashru bhar jayenge aur tumhari galon par latakte hue ashru गिरते हुए तुम्हारे कंठ कंठ से बहते हुए तुम्हारे सीने तक पहुंच जाएंगे, और ये जो आंसू निकलते हैं मंत्र करते समय पर, ये जो आनंद की अनुभूति आती है अतुलनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो इतना मीठा है, वो इतना सरस है, वो इतना प्रेम परिपूर्ण होता है, और इस परिपूर्णता को, इस मंत्र की अवस्था को आप सिर्फ सुन के नहीं जान सकते हैं, कल्पना में भी नहीं आएगा, उसके लिए तो बैठने की ही जरूरत है। तो सुबह में आसनों के उपरांत जब आप बैठे, अभी क्या है ना, मन में ये करना है,
वो करना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, एक कीड़ा चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में। ये ऐसे ही हो गया जैसे तुम बैठो और कोई तुम्हें इधर से धक्का मारे, कोई तुम्हें उधर से धक्का मारे, कोई तुम्हें आगे से धक्का मारे, कोई तुम्हें पीछे से। अब 100 लोग तुम्हें धक्का मार रहे हों तो क्या आप शांत होकर बैठ सकते हैं? ऐसे ही जब मन में धक्के पड़ रहे होते हैं, ये करना है, ये करना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, मन कैसे टिकेगा तुम्हारा? जब मन नहीं टिकेगा तो मंत्र से तुम आत्मसात कैसे करोगे? मन और मंत्र एक हो जाता है। कल शंकराचार्य के आत्मबोध श्लोकों को समझाते हुए ये बात मैंने कही थी कि भारत में शैव मत जो है, शैव मत माने जो महादेव जी को इष्ट मानते हैं, शंकर जी को भगवान मानते हैं और शंकर भगवान से ही सारी दुनिया हुई है ये मानते हैं, जो शंकर जी के भक्त हैं, ये जो शैव होते हैं, शिव का भक्त को शैव बोलते हैं, वो जो शैव होता है वो दिन की अपनी शुरुआत शिव की उपासना से करता है, स्तुति से करता है, शिवलिंग पर अभिषेक करता है, त्रिपुंड लगाता है, रुद्राक्ष पहनता है, रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप करता है और जब समय मिलता है तो रुद्री पाठ करता है, महामृत्युंजय का पाठ करता है। शिव का ध्यान करते 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 एक समय ऐसा आ जाता है कि और कुछ वो करना ही नहीं चाहता है। तो प्यार है ना, ये भी महादेव से जो प्यार होता है तो उस प्यार में महादेव की लंबी लंबी जटा है तो वो भी लंबी जटा रखने लग जाते। बड़ के दूध से बालों को गूंथा जाता है और फिर धीरे धीरे बाल जो है वो जुड़ने लग जाते हैं। तो बड़ के दूध से कई लोग बनाते हैं और कोई जो हैं उनकी जटा इसलिए बन जाती है क्योंकि वो साबुन तेल सिर में लगाते ही नहीं, वो गंगा जी में डुबकी लगा ली बस बात खत्म। बहुत सारे साधु साबुन का इस्तेमाल नहीं करते, मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। साबुन में कास्टिक सोडा और बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, शरीर को नुकसान देते, मिट्टी क्या नुकसान देगी? तो हाथ मांजना हो तो मिट्टी रखते हैं, राख रखते हैं, राख से हाथ मांजते हैं। और एक्चुअली राख अपने आप में इतने गुण रखती है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल भी होती। ये जो गोबर के उपले से जो राख बनती है, ये राख एक समय पर इसी से ही एक थोड़ी मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा नीम का पत्ता उसमें डाल करके, थोड़ा सा कपूर डाल के, थोड़ा सा ऐसे कुछ कुछ सामग्रियां डाल के उसी का एक बार बना लेते थे, एक साबुन की टिकिया जैसा बना लेते थे। लेकिन कमर्शियल साबुन साधु कई आज भी इस्तेमाल नहीं करते, मिट्टी इस्तेमाल करते। वो कहते हैं मिट्टी का शरीर मिट्टी का साबुन हो गया और मिट्टी से ही शरीर को मांज लिया उन्होंने, दैट्स इट। तो अब जब सिर में तेल नहीं लगाएंगे, जब सिर में कंघी नहीं करेंगे तो कुछ समय के बाद बाल अपने आप से उलझ से जाते, जटा बन गई। फिर कोई कोई बोले हम तो शिव की तरह ही वेश भी रखेंगे, वो फिर वस्त्र भी वैसे ही पहनने लग जाते, तो गले में रुद्राक्ष आ गया, माथे पे त्रिपुंड आ गया, बालों में जटाएं बंध गईं, जूता छोड़ के चमड़े का पांव में खड़ाऊं पहन ली, हाथ में डंडा ले लिया, वेश भी शिव का हो गया। क्यों? शिव का ही ध्यान करता रहता है, शिव का ही ध्यान करता रहता है। देखो, हम जिसका ध्यान करेंगे हम वो ही हो जाएंगे, ये बात समझ लो। आप जिसको याद करते रहेंगे, जिसको आप सोचते रहेंगे, आप वैसे ही हो जाते हैं। और सच तो ये है आपकी शक्ल भी वैसी ही हो जाएगी,
आपकी शक्ल भी वैसी ही हो जाएगी। मैं एक भजन याद आ रहा है मुझको, उसको आप श्रवण करिए। तू करता ध्यान है जिसका, वही हो तुम, वही हो तुम। करता ध्यान है तू, करता ध्यान है जिसका, वही हो तुम, वही हो तुम, वही हो तुम, वही हो तुम। करता भजन है तू, करता भजन है जिसका, वही हो तुम, वही हो तुम, वही हो तुम, वही हो तुम।
जगत को हरा करता है, जगत को हरा करता है, जो बीत बादल बरसता है, जगत को जो हरा करता है, जो हरियाली को देखे वही हो तुम, वही हो तुम, वही हो तुम, वही हो तुम, करता ध्यान है तू, करता ध्यान है जिसका, जिसका वही हो तुम, वही हो तुम, वही हो तुम, वही हो तुम। जिसका तुम ध्यान धरते हो, जिसको तुम परमात्मा कहते हो, जिसका ध्यान तुम आंख बंद करके करते हो, जिसमें तुम अपने मन को लगाना चाहते हो, वेदांत शास्त्र ये कहता है वो तो तुम ही हो।
पर परमात्मा की असलियत समझने से पहले अपनी असलियत समझनी होगी। और हम जिसको शैव कहते हैं, वो शैव कौन है? वो शैव वो है, वो तो कहता है आत्मा से ही शिव नहीं, मैं तो शरीर से भी शिव बन जाता हूं। आत्मा तो है ही शिव, मैं देह से भी शिव हो जाता हूं। भाव है ये उनका, प्रेम है ये उनका, साधना है ये उनकी। कहते जैसा हमारा गुरु वैसा हम चेला। तो मेरा गुरु बैरागी है तो मैं बैरागी हूँ, मेरा गुरु ध्यानानंदी है तो मैं भी ध्यानानंदी हूँ, मेरा गुरु संसार को असार समझता है, भस्म समझता है, मैं भी भस्म समझता हूँ, मेरा गुरु महादेव किसी के साथ मन नहीं जोड़ता, मैं भी नहीं जोड़ता हूँ, और मेरा गुरु शिव सबको दे देता है जो भी कोई कुछ मांगे। तो महात्मा जो शिव है, जो शैव है, वो भी मना नहीं करता, ले लो जिसने जो लेना है ले लो। एक बार एक सेठ ने कहा, स्वामी जी आप में और हम में क्या फर्क? आप कथा सुनाते हो हम सुनते हैं, आप रोटी खाते हो हम भी खाते, आप सोते हो हम भी सोते, आप नहाते हो हम भी नहाते हैं, आपने सर्दी में स्वेटर पहनी हमने भी पहनी है, गर्मी में पंखा आप चलाते हो हम भी चलाते हैं, तो आप में और हम में क्या फर्क? स्वामी जी हंसने लग गए, कहते हैं हाँ हाँ कोई फर्क नहीं, चल छोड़ बातें क्या करनी, मौसम इतना सुहाना है, फूल खिले हैं और इतने सुंदर सुंदर वृक्षों पर हरियाली है, चल जरा घूम के आते हैं। चलो महाराज चलो घूमते हैं। महाराज के साथ घूमते घूमते सैर करते करते काफ़ी काफ़ी दूर निकल गए, 2 घंटा हो गया, थोड़ी देर रुक जाएं फिर चल पड़े। कहते अच्छा वो सामने बड़ा अच्छा है चलो वहाँ चलते, वहाँ पहुँच गए, अच्छा चल वो सामने बड़ा अच्छा चल वहाँ चलते। अब शाम लगी होने सेठ जी के मन में फिक्र आई, अरे दुकान खुली छोड़ी है, लड़का बैठा है, मुनीम पैसे पे है, गल्ला कुल्ला है, पत्नी घर में अकेली है। तो कहते स्वामी जी जर रुको एक मिनट, आप समय नहीं देख रहे, अरे वापस जाना है, जितना आए हैं उतना वापस जाना भी तो पड़ेगा, तो अब ना वापस चलते हैं। स्वामी जी ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहते छोड़ क्या पड़ा है पीछे, देख सामने कितना सुंदर है, चलना और आगे चलते हैं। और तारों की छाया को देखते हुए जमीन का बिस्तर बना के जंगल में रात बिताएंगे। सेठ कहे ना महाराज मैं तो नहीं जाता। और अब महात्मा ने और कस लिया हाथ, कहते अरे इतना बढ़िया है पीछे क्या पड़ा है तेरा? कहते तुम्हारा कुछ नहीं पड़ा, मेरा सब कुछ पड़ा है, मेरा सब कुछ पड़ा है, तेरा कुछ नहीं पड़ा है, तो आपको जहां जाना जाओ, जंगल में सोना सो, तारों के संग रात बितानी बिताओ, मेरी पत्नी मेरा सेठ मेरा गल्ला, मैं तुम्हारी तरह थोड़ी हूं। स्वामी जी कहते बस अब काम हो गया। सुबह वो क्या बोला था ना, तेरे और मेरे में क्या फर्क है? तेरे और मेरे में यही फर्क है, अगर तू पीछे घर दुकान पत्नी छोड़ के आया है तो हम भी पीछे अपना मंदिर आश्रम चेला चेली रुपया पैसा मठ सब कुछ छोड़ के हम भी तो निकले हैं। सेठ ने हाथ जोड़े और क्षमा मांगी, महाराज क्षमा करिए मैं तो बड़ी भूल कर गया, निश्चित रूप से मैं आप नहीं हो सकता हूँ, मेरे मन में अभी राग है, मेरे मन में अभी चीज़ों की पकड़ है, मेरे मन में चीज़ों की पकड़ है जिसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, और मैं अपनी पत्नी और बच्चे के इतने मोह में हूँ मैं उनको छोड़ नहीं सकता हूँ। महात्मा ने कहा अरे मैंने ऐसा कब बोला कि तू पत्नी छोड़ दे, बच्चे छोड़ दे, घर छोड़ दे, फैक्ट्री छोड़ दे, मैंने तो बस इतना ही तुझको कहा, इसको सत्य न जान। जिसको तू सत्य नहीं जानेगा तो उसके साथ पकड़ कैसे बनाएगा? देखो रस्सी पड़ी थी कोने में, रोशनी ज्यादा नहीं थी, अंधेरा अधिक था, रोशनी कम थी, तो रस्सी न दिखी तो लगा सांप है, आदमी डर गया,
डरा तो भागा, भागा तो चोट लगी। तो दूसरे आ गए घर के, उन्होंने रोशनी करी, लाइट ऑन किया, तो देखा वहां तो रस्सी का टुकड़ा पड़ा है, सांप तो है ही नहीं। जिस रस्सी में सांप नहीं है ये देख लिया, क्या अब भी वो उस सांप से डरेगा? डर कब तक है? जब तक सांप सच्चा लगे। और जब सांप दिख गया, समझ आ गई कि सांप तो झूठ है, तो झूठे सांप से भय नहीं होता। इसका दूसरा उदाहरण लो, सीपी में धूप चमकने की वजह से सीपी ना दिख के लगा वहां चांदी का टुकड़ा पड़ा, चांदी का टुकड़ा पड़ा, मन में लोभ आया कि मैं ये चांदी ले लूं। आप वहां पास गए, जैसे ही उसको उठाया समंदर किनारे से सीप को, तो देखा अरे ये तो जिसे चांदी समझ रहे थे वो तो सीपी है, चांदी तो है नहीं। अच्छा अब आप क्या ये प्रश्न करेंगे कि इस चांदी का मोह मैं कैसे छोड़ूं? सीपी में चांदी है नहीं, तो फिर उससे मोह कैसे करोगे? और रस्सी में सांप है नहीं तो उसे डरोगे क्यों? तो आत्मज्ञानी के लिए इस संसार में न लोभ करने को कुछ है और न डरने को कुछ होता है। न डर है न लोभ है। जड़ भरत जी की एक मैं आपको सुनाती हूं। वैराग्य शतक जिन्होंने ग्रंथ दिया है, जिनके जीवन पर और उपदेशों पर आधारित है, बड़ा सुंदर ग्रंथ है वैराग्य शतक। तो वैराग्य शतक के लिखने वाले भर्तृहरि हरिजी महाराज लिखते हैं कि एक आदमी रोड पे चल रहा था और दिन के उजाले में दूर सड़क पर किसी का मणि गिर गया होगा या कैसे, तो सड़क पे रूबी मणि माणिक्य वो पड़ा हुआ दिख रहा था, दूर से दिख गया, अरे बाप इतना बड़ा। तो आगे पीछे देखा कोई और आदमी तो नहीं है कि मेरे से पहले वो ही ले ले उसको, तो चाल भी तेज हो गई, फटाफट फटाफट तेज तेज चल के, और देख रहा है इधर उधर कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं, ऐसे ऐसे देखते देखते यूं हाथ नीचे किया, चुप पकड़ने की कोशिश करी, हाथ में तो कुछ नहीं आया, देखा हाथ तो पान की पीक थी, किसी बावले ने पान खा करके थूका होगा, उसकी थूक में हवा भर गई होगी, वो बुलबुला सा बन गया, और दूर से क्या लगता है वो माणिक्य है, कोई रूबी स्टोन पड़ा है, पर जब हाथ लगाया तो हाथ में पीक आई। अब इसमें क्या अच्छी प्राप्ति हुई? जो मणि है नहीं, पीक को वो मणि समझ के पकड़ लिया, अब इस पीक से उसको क्या ममता हो सकती है? पान की पीक से किसको ममता होगी? तुम्हें हो सकती है? तो जब ज्ञान से ये बात समझ लग गई कि त्रिकाल ये संसार अनित्य है, असार है, असत्य है, मिथ्या है, तो उसमें फिर मन अटक कैसे सकता है? इसलिए न मोह में, न ममता में, न आसक्ति में। आसक्ति तब होती है जब तुम, चक्कर ये है कि आपको ये जो सब चीजें हैं ये सच्ची लगती हैं। आपके तो नो जी वो सीपी वाली चांदी नहीं, हमको तो असली चांदी दिख रही है, हम तो असली वाली चांदी चाह रहे हैं, हम तो असली वाला सोना चाह रहे हैं। अब वो असली वाले सोने से अपने मन को कैसे हटाएं हम? वो तो नहीं हट सकता। जिसे आप असली कह रहे हो, अच्छा एक कल्पना करिए, कल्पना करिए, करने में क्या हर्ज है, वैसे भी आप बड़े मास्टर हो कल्पना करने में। कल्पना करिए कि सब धरती में चांदी ही चांदी हो गई है,
जैसे अभी मिट्टी है धरती पर, मिट्टी ही मिट्टी, जहाँ जाओ मिट्टी 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 मिट्टी, मिट्टी की जगह सब चांदी हो जाए, फिर भी चांदी से मोह करोगे? अच्छा, चांदी की जगह सब सोने का हो जाए, सब सोना ही सोना हो जाए, सोना ही सोना, मिट्टी नहीं, सब सोना ही सोना हो जाए। वो रावण की लंका थी ना सोने की, ऐसे सोचो तुम्हारा शहर सारा सोने का हो जाए, क्या फिर भी उस सोने से आपको मोह होगा? जैसे आज मिट्टी से नहीं है, फिर उससे भी नहीं होगा। अच्छा, सोना है चांदी है, इसकी कीमत इसलिए है कि आप इसको बेच करके इससे खाने पीने का सामान ले सकते हैं, श्रृंगार का सामान ले सकते हैं, सोना बेच के मकान गाड़ी ले सकते हैं। अच्छा, मान लो कि सरकार कह दे, जैसे वो उन्होंने कहा ना नोट नहीं चलेगा, ऐसे गवर्नमेंट गोल्ड का सोने का रेट गिर जाए। अभी क्या है, क्या है अभी, कहते जी 32,000 रुपया है, 32,000 रुपया तोला। सोचो कि मतलब कुछ खानों में से कोयले की जगह से सोना निकल जाए और सोने के दाम गिर जाए और वो हो जाए 50 रुपया तोला, मैंने तुम्हारा टमाटर महंगा उससे हो जाए, तो क्या अब इस सोने को तुम चाहोगे? तो सोना सोने के लिए प्यारा नहीं है, सोने से आप खाने पीने का सामान ले सकते हैं, अच्छा सामान ले सकते हैं, जिससे तुम्हारे मन को खुशी हो और जिसको दिखा दिखा करके तुम दूसरों को जला सको, इसलिए तुमको सोना अच्छा लगता है। जैसे जब नोट बंद हुआ था तो घर में जिनके पास लाखों थे वो रोवे बोले मिट्टी हो गया, सब मिट्टी हो गया, सब क्या करें क्या करें, सब मिट्टी हो गया। ज्ञानी विवेक से समझदारी से इस पूरे जगत को मिट्टी ही जानता है, इसलिए उसको वैराग्य करने में कोई यत्न नहीं होता है। कल एक लड़की मुझसे बात कर रही थी, रो रही थी, वो रो रही थी कि उसका बाप उसको प्यार नहीं करता है, कहती बड़ा मन दुखी होता है, पैसे की कोई कमी नहीं, बहुत पैसा है, बहुत पैसा उसके पास, बाप प्यार नहीं करता है। मैंने उसको कहा, मैंने एक बात बताओ, हर जन्म में एक बाप था कि नहीं, वो बाप याद आते हैं? जैसे वो सारे बाप तुमको याद भी नहीं आते इसलिए तू उनके लिए रोती भी नहीं है, तो तू इतनी सी बात क्यों नहीं समझ लेती कि ये भी बाप तेरा छूटने वाला ही है, ये भी ड्रामे वाला बाप है, ये सच्चा है ही नहीं, सच्चा बाप तो परमात्मा है और परमात्मा ने तो तुम्हें कभी छोड़ा नहीं, उल्टे तूने उसको छोड़ के रखा है। परमात्मा रो रहा था मुझे कि मेरी लड़की मुझे याद ही नहीं करती, तो हंसने लग गई, बोले ऐसे थोड़ी होता है, मैं क्यों नहीं होता, ऐसे भी होता है, ये माँ ये पिता ये भाई ये बहन ये ना पूछे रोते हो, लड़ पड़े तो रोते हो, हमको प्यार नहीं देते इसलिए रोते हो, तो रोने के अलावा यहाँ है क्या? तो गुरु वैरागी है तो शिष्य को वैरागी होना होगा। ऐसे ही देखो, फिर से याद आती है पार्वती की कथा मुझे, पार्वती जी के मन में महादेव को वरण करने की इच्छा जगी, मैं महादेव का दर्शन करूं और महादेव मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, ये चाह उसके मन में आई। अब राजकुमारी है, राजा की पुत्री है, पर्वतराज हिमावन की पुत्री के मन में चाह क्या जगती है? एक योगीश्वर, एक तपीश्वर को वरण करने की चाह मन में जगती। तू बड़ी उदास रहे, न खावे न पीवे, और सब सखियां और सब दासियां पूछे क्या हुआ क्या हुआ, बोली क्या हुआ मैं नहीं बता सकती। तो पिताजी ने नारद जी को बुलवाया कि देव ऋषि नारद आप बात करिए मेरी पुत्री से, हमसे तो वो अपने मन की बात कह नहीं रही है।
तो पार्वती ने अपने मन की बात नारद जी को बताई। अब नारद जी तो जानते ही थे कि ये तो पूर्व जन्म की सती है, ये तो सती है जो आई है फिर से पार्वती बन के, ये तो निश्चित रूप से शिव को प्राप्त होगी, पर पिछला जन्म तो उसको याद नहीं है। तो नारद ने कहा, देवी तू एक राजकुमारी, वो एक बैरागी, क्या जोड़ी बने तेरी? बैरागी को रिझाना है तो वैराग्य साधना होगा, ये तेरा साज श्रृंगार, ये तेरे वस्त्र, ये तेरे मुकुट, ये तेरे कंगन, ये तो बंधन हो जाएंगे ना, ऐसी वेशभूषा में वो तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता है? कहती ठीक है। तो उसने कषाय वस्त्र मंगवाए, मैंने गेरुए रंग के वस्त्र मंगवाए, उसने अपना रेशमी कपड़ा पहन उतार दिया, साज श्रृंगार सारा उतार दिया, बाल जो सुंदर खुले लंबे घने थे उनको बड़ का दूध लगा करके जटा बांध ली और सिर पर जूड़ा बना लिया और कषाय वस्त्र धारण कर लिए, जूते उतार दिए, नंगे पांव हो गई और जाकर के अपने महल के पीछे एक वृक्ष के तले बैठ करके जैसी नारद जी ने साधना बताई थी वैसी साधना देवी पार्वती करने लग गई। अब माँ मैना रोवे कि मेरी राजकुमारी इतनी इतनी ठंड में ये खुले में कैसे बैठी हुई है? तो उसने दास दासियों के हाथ कंबल और रजाइयाँ और गद्दे और पलंग भिजवा दिए कि पुत्री इस पे बैठो। पार्वती कहती, तुम लोग मुझे मेरी साधना में विघ्न करते हो, मैं यहाँ से भी दूर चली जाऊँगी। माँ तो रोती रह गई। पार्वती ने अपना आसन उठाया और बीच घने जंगल में जाकर के आसन बिछा लिया। अब लगी वहां तप करने। वैरागी को रिझाना है तो वैराग्य की साधना तो करनी पड़ेगी, एक भोगी और योगी का मेल कैसे होगा? तप करती है, तप करती है, तप करती है, तप कर करके सुख के कांटा हो गई। नारद जी ने शिव जी से भी कहा कि प्रभु देखो वो आपकी राह तक रही है, जाओ दर्शन दो। महादेव कहते ना, अब उसको वैसे भी अपना पूर्व जीवन याद नहीं है कि वो सती थी और वो मेरी पत्नी थी, तो अब दोबारा से मैं इस अध्याय को शुरू भी नहीं करना चाहता, मैं फिर से ये अध्याय शुरू ही नहीं करना चाहता हूँ, रहने दो, करने दो तपस्या, अच्छी बात है, सबको तप करना चाहिए, वो कर रही है, बहुत अच्छी बात है। बड़ा अनुनय विनय किया पर मैंने नहीं, और यहां उनकी तपस्या और घोर होती चली गई। नारद जी जो बताए वो करती चली जाए और धीरे 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 साधना में इतने लीन हो गई कि वो जो दो समय खाती थी वो छूट गया, एक ही समय रह गया, फिर एक समय आया वो भी छूट गया, क्योंकि श्वास अवरुद्ध होने लग गए, केवली कुंभक होने लग गया, सहज से श्वास अवरुद्ध हो गई, कुंभक हो गया। अब ना देह का पता है पार्वती को, ना रात का पता है पार्वती को, ना दिन का पता है पार्वती को, वो निर्विकल्प समाधि में स्थित हैं। शरीर पर सर्दी गर्मी बारिश बर्फ जो गिरे सो गिरे, पर इस तपस्विनी को, इस महायोगिनी को किसी चीज से कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि धुन तो एक लगी पड़ी है, धुन तो एक सवार है कि महादेव को प्राप्त होना है, महादेव मुझे स्वीकार करें, महादेव अपने चरणों में स्थान दें, महादेव मन की चाह ये है कि महादेव मेरा वरण करें, वो मुझे पत्नी स्वीकार करें। तप चलता रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। उसके तप को देख करके अन्य अन्य ऋषि, अत्रि आदि ये ऋषि जा जा करके महादेव से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप देवी को दर्शन दीजिए। और महादेव बोले नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। वो अभी नहीं नहीं करते करते कितना काल बीत गया, कितना काल बीत गया। बिछोह और वैराग्य में ऐसे भी कठिन होता है समय का पूरा करना,
और इस कठिन काल में एक आश्रय, एक संबल, एक सपोर्ट सिस्टम अगर कुछ होता है तो वो गुरु के आशीर्वाद का होता है। और देव ऋषि नारद ने पार्वती से कहा था कि ये पर्वत कुमारी, अगर तेरा निश्चय दृढ़ होगा तो निश्चय ही महादेव को तुम्हें दर्शन देने होंगे। गुरु के कहे ये शब्द, ध्यान से सुनना इस बात को, पार्वती के गुरु हैं देव ऋषि नारद, और देव ऋषि नारद हैं जिन्होंने देवी पार्वती को साधना का मार्ग सिखाया था। और ये तो देव ऋषि नारद हैं जिन्होंने धीरज से कैसे यम नियम आसन ध्यान धारणा करते हुए मनोवृत्तियों को शांत करके भीतर शिवाकार वृत्ति बनाना सिखाया था। वो इतने उत्तम कोटि का उनका मन था, ऐसा नहीं कि सालों नारद जी को लग गए होंगे, माफ करिए गधा बुद्धि को सालों लगा लो तो नहीं समझ आती, पर पार्वती तो इतनी श्रेष्ठ बुद्धिमान महिला थी कि एक बार के उपदेश से ही वो सब कुछ सीख गई और सब कुछ समझ गई और सब अभ्यास करने लग गई। अभ्यास करते 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 एक फिर ऐसा वक्त आया कि चित्त में जिसका ध्यान था वह सन्मुख आकर के प्रकट हुआ। देवी क्या चाहिए? पार्वती जी उठती हैं, चरणों का स्पर्श करती हैं, शीश अपना चरणों पे धर देती हैं, वो कहती हैं बस आप ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। लंबी तपस्या के बाद ये जो पल आया, इस एक ही पल में पार्वती के चित्त का वो जो प्यार, वो जो वैराग्य, वो जो बिछोह है, उस सब का अंत हो गया। महादेव ने कहा कि देवी तुम्हें मैं स्वीकार करता हूं, अब जाओ घर और अपने माँ पिता से कहो कि मैं तुम्हारा वरण करने आऊंगा। मैं देवी वापस पधारती हैं, मैना अपनी पुत्री को देख के खुश, पर्वतराज अपनी पुत्री को मिलके खुश, आनंद से नाचने गाने लग गए। और पार्वती ने कहा प्रभु ने मुझे स्वीकार किया है, वो मुझे अंगीकार करेंगे, वो मुझसे ब्याह भी करेंगे। मैना रोने लग गई, हाय मेरी सुंदरी पुत्री, तेरे को सिर्फ वही मिला था, सुना है वो जंगल में रहता है, सुना है वो पर्वतों में रहता है, वो तो वस्त्र भी नहीं पहनता है, वो तो नागों के संग रहता है, वो भूतों के संग रहता है, तुम्हें वो पसंद आया, तूने इतनी तपस्या इसलिए की कि वो तुम्हारा वरण करे। वो कहती हाँ मैंने तो इसीलिए किया, माँ को कौन समझाए, तो छोड़ दी इस बात को। और कथा ये कहती है कि फिर महादेव अपनी बारात लेकर के पार्वती को ब्याहने आए। अब भूतेश्वर की बारात में भूत ही थे, योगेश्वर की बारात में योगी ही थे, हठ योगी की बारात में हठ योगी ही थे, तो दे लंबी लंबी जटाओं वाले सूख के कांटा जिनका शरीर हो चुका है, हड्डियां जर्जर जिनकी हुई पड़ी हैं, किसी के नाखून बड़े पड़े हैं, सब शिव के उपासक हैं, सब शिव के भगत हैं, सब शिव के प्रेमी हैं, सब शिव के शिष्य हैं, बाबा भी ऐसे ही तो बैठा है बैल पर, जटा जूट बिखराए हुए, और हमारे योगियों में, हमारे नागा बाबाओं में आज भी भेरी बजाते हैं जोर जोर से, तो भेरियां बज रही हैं, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, और सारे साधु बम 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 बम
बम बम बम बम बम चिल्ला रहे हैं। आम बारातों में फूल फूल बिखेरते हैं, रंग बिखेरते हैं। बाबा की बारात में शमशान की भस्म बिखरी जा रही थी। दूर से कोलाहल सुना रानी मैनावती ने, इतना शोर हो रहा था कि वो तो घबरा गई, ये क्या है। और ज्यों ज्यों लगी बारात की करीब आने, और तो वो क्या है, सामने सब ऐसे ऐसे अवधूत आ रहे हैं, कोई नंगे ही आ रहे हैं, कोई लंगोटी में आ रहे हैं, कोई पत्ते बांधे आ रहे हैं, कोई जटाओं वाले आ रहे हैं, और किसी ने सर्प बांधे हुए हैं, किसी के कमर में सर्प है, किसी के सिर में सर्प है। ओ ये लाल लाल आंखों वाले अघोरी सारे आए पड़े और बम 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 बम। मैना जी तो बेहोश हो गई। ए भगवान, मेरी पुत्री ने ये क्या कर लिया, ये इसने कैसा कहते हैं कि फिर उस समय पर विष्णु जी ने सारी स्थिति को संभाला। विष्णु जी कहते हैं, ए भोलेनाथ, जरा इधर आओ मेरे पास, ये क्या स्वरूप बनाया है, डराने जा रहे हो। बोले, डराने कहाँ जा रहा हूँ, देखो भस्म लगाई है। बोले, बताओ, शमशान की भस्म लगा के जा रहे हो तुम, इसमें थोड़े ना काम होगा, तो थोड़ी अनुमति मुझको दो, थोड़ी सी अनुमति मुझको दो। और महादेव तो बोले, हठ योगी, बोले ना ऐसे ही जाएंगे, ऐसी को ही उसने पसंद किया, ऐसे को ही उसने वरण किया, यही रूप लेकर के जाऊंगा। और इधर पार्वती जी दुल्हन बनी बड़ी सुंदर, और मन में सोचती हैं कि प्रभु ये क्या कर रहे हो। फिर मन से मन की बात हुई, मन से देवी ने पुकार करी, मन से देवी पुकार करती हैं कि प्रभु मेरे परिवार के सब लोग बड़े आतंकित हो रहे हैं, बड़े घबरा रहे हैं, बड़ा डर रहे हैं, मेरे निर्णय पर संशय उठा रहे हैं। जैसा मैं तुम्हें देखती हूँ परम मंगलकारी करुणाकारी, हे प्रभु मुझे वैसे ही स्वरूप में आप दर्शन दीजिए। और इधर पार्वती की जो पुकार है वो उनके मन तक पहुंची, और इधर विष्णु पहले से ही कह रहे हैं कि प्रभु आज के दिन मुझे तो श्रृंगार कर लेने दो, मुझे श्रृंगार कर लेने दो। और विष्णु जी की इस प्रार्थना को अचानक से महादेव कहते हैं, हाँ करो। पहले तो कह रहे थे नहीं, पहले कह रहे थे नहीं, और फिर कहते हाँ हाँ करो। अब वो बैठ गए तो पंचामृत से पहले स्नान कराया भोलेनाथ को, केशों में कंघी करी लक्ष्मी जी ने, सुंदर मुकुट पहनाया ब्रह्मा जी ने, कमल का फूल माला चढ़ाया कंठ में विष्णु जी ने, सुंदर त्रिपुण, अरे वर्षों की तपस्या कर करके जिसकी चमड़ी भी काली हो चुकी थी, पर इस सुंदर पंचामृत स्नान के बाद और चंदन आदि लेप के बाद पूरा शरीर गौर वर्ण और ऐसा सुंदर स्वरूप निकल के आया। देवी लक्ष्मी ने महादेव के आंखों में काजल लगाया, कर्ण में कुंडल डाले, गले में माला पहनाई, कुबेर अपना सारा खजाना लेकर के आ गया, सब श्रृंगार लेकर के प्रस्तुत हो गया, आपके चरणों में पायल बांधी, योगी महाराज के चरणों में पायल आ गई, कमर पे करधनी आ गई, रेशमी धोती आ गई, गले में रेशमी वस्त्र अंग वस्त्र आ गया, शीश पर मुकुट आ गया, ऐसा सुंदर भव्य श्रृंगार हुआ कि विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी मेरी आंख बंद कर दे, नहीं तो मैं इस पे मोहित हो जाऊंगा। कभी ये मेरे पे मोहित हो गया था, आज मैं इस पे मोहित हो जाऊंगा। देवी लक्ष्मी मेरे नेत्रों को बंद कर दे, ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसा प्रकाशमयी चेहरा, ऐसी नूर भरी मृदु मुस्कान से भरी उनकी आंखें,
जिनमें चपलता भी है, जिनमें कोमलता भी है, जिनमें सुहास भी है, जिनमें सुवास भी है, जिसमें सौंदर्य भी है और जिसमें श्रृंगार रस की भी छटाएं अब आने लग गईं। और अब भोलेनाथ प्रस्तुत हुए, अपने नंदी पर सवार होते हैं और नंदी पर जहाँ सवार हो रहे थे तो हमारे सारे ये जो बाबा लोग हैं ना, इनका भी थोड़ा दर्शन अच्छा कर दिया गया था। ये सारे देवता और क्या कर रहे थे, वो उनको भी सुधार रहे थे। महाराज गंगा जी का स्नान कर लो, नए वस्त्र पहन लो, तुम्हारे इष्ट का आज ब्याह है, आज सुंदर चंदन का टीका लगा लो। सबने चंदन के टीके धारण करे, सबके गले में फूल की, गुलाब की ऐसी ऐसी मालाएं हैं और ऐसी बारात सजी। और विष्णु जी ने बड़ी चतुरता से सारे देवता आगे खड़े कर दिए जो बड़े सुंदर दिखते हैं, और जितने बुढ़े जोगी पीछे कर दिए, जितने भूत उनको कहा तुम बैल के भी पीछे, नंदी के भी पीछे तुम रहो, सामने नहीं आना, पीछे सपोर्ट सिस्टम सारा तैयार होना चाहिए। इधर मैना जी को होश में लाया गया, मैना जी की आंख खुली, बारात दरवाजे तक आ गई। अरे भाई, ये घोर रात्रि में कौन चमक रहा है, ये घोर काली रात्रि में कौन चमक रहा है? बोले कोई और नहीं, तेरा होने वाला जमाई का मुकुट चमक रहा है, ये तो महादेव जी का मुकुट चमक रहा है। इस रात्रि में आई हुई बारात को द्वार पर देख करके आनंद से पार्वती जी की सब सखियां घोष लगी करने, आनंद से करतल ध्वनि करने लगी, शंख लगी बजाने और हंस हंस के नाच नाच करके बोले गौरा को, ए गौरी देख तेरा दूल्हा आया है, वो स्वयं महादेव कैसा सुंदर काम रूप बन करके आया। देखो जब शिव बैरागी थे तो पार्वती बैरागी हुई, और जब ब्याह की बारी आई अगर शिव दुल्हन बनी तो फिर शिव महाराज भी हमारे दूल्हा बन गए। Evam, 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 bam, 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 घोर काली रात है, घोर काली रात है, ए घोर काली रात है, ए घोर काली रात है, ए घोर काली रात है, रे घोर काली रात, देखो रे देखो रे गौरा, ये लाया कौन बारात है, ये लाया कौन बारात है, ये लाया कौन बारात है, ए बम 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 ए बम, ए घोर काली रात है, ये गोर काली रात है, ये काली आधी रात है, ये गोर काली रात है, ये काली आधी रात, देखो रे गौरा।
कौन बारात है, ये लाया कौन बारात है, ये लाया कौन बारात है। कानन में कुंडल है, ए गले मृग सोहत है, ए अंग विभूति लगाए, ये जोगी कैसे आए हैं, जोगी कैसे आए हैं, जोगी कैसे आए हैं। ए कानन में कुंडल है, गले मृग सोहत, अंक विभूति लगाए, ये तो दूल्हे राजा आए हैं, दूल्हे राजा, ये दूल्हे राजा आए हैं, दूल्हे राजा आए, ये दूल्हे राजा आए हैं, दूल्हे राजा, ये घोर काली रात है, ये घोर काली रात, ये काली आधी रात, ये घोर काली रात, ये काली आधी रात। देखो रे गौरा, कौन लाया ये बारात है, कौन लाया ये बारात है, कौन लाया ये बारात है, कौन लाया ये बारात है। गले नागों की माला है और फूल बनमाला है, गले नागों की माला और फूल बनमाला है। देखो रे गौरा, कौन लाया ये बारात है, 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 लाया ये बारात है, कौन लाया ये बारात है। आओ सखी बंधनवार सजवो, मिल आरती का एक थाल बनावो, माथे इसके तिलक लगावो, और फूलों की बरसात कराओ, फूलों की बरसात कराओ, फूलों की बरसात कराओ, फूलों की, फूलों की बरसात कराओ, फूलों की, ए फूलों की बरसात कराओ, फूलों की। ए गंते में माला, ए आया, ए आया, ए आया,
जोगी प्यारा है, शंभो हमारा है, शंभो हमारा है। एक और काली रात है, एक और काली रात है, एक काली आधी रात है, एक काली आधी रात है। देखो रे गौरा, कौन लाया ये बारात है, कौन लाया ये बारात है, कौन लाया ये बारात है। बोल बम 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 बम। रोग नहीं, शोक नहीं, मोह नहीं, दाह नहीं, द्वेष नहीं, अंधकार नहीं, अज्ञान नहीं। कैसा जोगी है ये, कैसा दूल्हा है। मोह नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, मोह नहीं, दाह नहीं, द्वेष नहीं, ज्ञान नहीं, अज्ञान नहीं, अंधकार नहीं। जोगी है के दूल्हा है, दूल्हा है के जोगी है। देखो रे गौरा, तारे आया एक जोगी है, तारे आया एक जोगी है, तारे आया एक जोगी है, तारे आया एक जोगी है। बोल बम 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 बम। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। बोल बम 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 बोल बम बम बोल बम 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 बोल बम बम बोल बम बम बोल बम बोल बम बोल बम। पार्वती का महादेव से विवाह संपूर्ण हुआ और फिर कहते हैं पार्वती और महादेव कैलाश को चले गए। और जब कैलाश को चले गए तो इतने आनंद में थे महादेव जी के जाके समाधि में लीन हो गए और हमारी दुल्हन बैठ करके चेहरा देख रही है, ये दूल्हा तो समाधि में गया।
और आनंद पूर्ण इस समाधि का दर्शन करते करते देवी पार्वती भी समाधिस्थ हो गई। इस संसार में ये एको एक ऐसा ब्याह हुआ होगा जहाँ ब्याह में हाँ करने की शर्त तपस्या थी, और तपस्या पूरी होने पर विवाह हुआ, और विवाह हो कर के भी दोनों योग में ही स्थापित रहे, दोनों ध्यानस्थ और आनंद की समाधि में लीन रहे थे। ये शिव पुराण इस बात का गवाह है, इस बात का इतिहास है कि कई युग बीत गए और समाधि नहीं टूटी थी, तो देवताओं को इंद्र को प्रयास करने पड़े कि ये महादेव अपनी ग्रस्थी शुरू कब करेंगे। इसलिए संसार में अगर सबसे विचित्र कोई विवाह हुआ है तो वो शिव और पार्वती का ही हुआ है। और अनोखी बात तुम ये भी जानो कि इस शिव और पार्वती की जो संतान है गणेश, वो भी शिव के वीर्य से उत्पन्न नहीं हुई थी, वह भी पार्वती ने अपनी देह से उत्पन्न किया था। माने दैहिक सुख, शारीरिक सुख की भोग की वृत्ति इस विवाह में तो कहीं है ही नहीं। महादेव विवाह से पहले भी योगी थे, महादेव विवाह के बाद भी योगी ही रहे हैं, उनके योग में कोई बाधा नहीं आई है, कोई बाधा नहीं आई है। मानस रचना करी है, कार्तिकेय की जो रचना हुई थी वो भी मानस हुई थी, तप से हुई थी, देवी ने अपने तपस्या से उत्पन्न किया था। कार्तिकेय को भी और गणेश को भी शरीरों से उत्पन्न नहीं हुए थे। तो पुराण की दृष्टि से शिवरात्रि का जो दिन है, जो रात्रि है, उसका जो महत्व है सो मैंने कहा। अध्यात्म की दृष्टि से आपकी देह में मौजूद पार्वती अर्थात शक्ति जो सुप्त है, उस सुप्त शक्ति को जागृत करके सहस्रार तक पहुंचाना, समस्त चक्रों का वेदन करते हुए इस शक्ति को जागृत करके सहस्रार तक पहुंचाना, इसे हम आध्यात्मिक शिव और पार्वती की शादी कहते हैं। मूलाधार में जो शक्ति सुप्त है उसको जागृत करके स्वाधिष्ठान मणि पूर्ख अनाहत आज्ञा विशुद्धि आज्ञा चक्रों का वेदन करके जब सहस्रार पे पहुंचती है तो अनंत चेतना के साथ मिलकर इस शक्ति का जो विवाह होता है इसे कहते हैं शिवरात्रि। तो दोनों बातें समझ लें, एक जो बाहर की है, एक जो भीतर की है। जो बाहर की है उसमें तो शिव पार्वती का विवाह मानते हैं, और विवाह देखो कैसा अनूठा है जिसमें उनका क्षण भर को भी योग खंडित नहीं हुआ। योगस्त योगीश्वर, योग भगवान, योगीश्वर भगवान महादेव विवाह करते हैं, लेकिन वह विवाह भी सिर्फ पार्वती की इच्छा पूर्ण करने के लिए है, अन्यथा हवा को कौन बांध सकता है। आकाश जिसका वस्त्र है ऐसे दिगंबरधारी महादेव को कौन किसी बंधन में रख पाता है। और पार्वती बड़े लंबे समय तलक अपनी उनकी समाधि खुल जाने के बाद भी लंबे समय तक अपने पति, अपने गुरु, अपने भगवान महादेव की वह सेवा करती रहीं, उनका दर्शन ही करती थीं। शारीरिक दैहिक पारिवारिक सुख की चाह कामना उनके अंदर भी कभी नहीं आई थी। फिर जब कभी उनको लगा कि संतान होनी चाहिए तो उन्होंने महादेव की ओर थोड़े देखा, उन्होंने अपनी तप शक्ति से गणेश को उत्पन्न कर लिया था, अपनी ही तप शक्ति से कार्तिकेय को उत्पन्न कर लिया था। तो स्मरण रखें इस बात को, अभी तुम्हारे मन में अंधकार अज्ञान की घोर काल रात्रि है, इस काल रात्रि में अभी शिव का प्रकट होना बाकी है। निर्गुण
अव्य सच्चिदानंद व्यापक स्वरूप शिव का जानना अभी बाकी है। जीव के तल पर ईश्वर शिव को जानना बाकी है, आत्मा के तल पर शिवो हम इस उद्बोधन इस ज्ञान की निश्चय होना बाकी है। काम बहुत सारा है। शिवरात्रि के नाम पे लोग भांग पीते हैं सो गलत, गांजा पीते हैं सो गलत, उसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। ध्यान के आनंद में मस्त हैं महादेव, ये धतूरे और भांगों से थोड़े ना। पर मूर्खता की भी कोई हद नहीं होती है, तो आम साधारण लोग जिनको कोई समझाने वाला नहीं है वो बस इसी को शिवरात्रि समझता है कि जाओ और शिवपिंडी के दर्शन करो, जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, बेल चढ़ाओ, पत्र चढ़ाओ और प्रसाद में भांग पियाओ और घर वापिस आओ और कहो हो गई शिवरात्रि। शिवरात्रि तो तब होगी जब आप पार्वती की न्यायी तपस्या करना सीख जाएंगे। जिस दिन आप तपस्वी बनेंगे उस दिन भीतर बैठा शिव तुम्हारे लिए प्रकट होगा। ये याद रखिएगा बात, और इसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम पूर्ण करते हैं। और यह शंकराचार्य जी का निर्वाण षटकम ये पुस्तक आज शिवरात्रि के दिन इसको हम आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे देखिए इस सबको टाइप करना, एडिट करना, प्रूफ रीड करना, डिजाइन बनाना, यू नो, इस सब कार्य यही आश्रम में होता है। एक पुस्तक को करने में इसमें कम से कम 6-8 लोगों की कई घंटों की मेहनत होती है जो रोज बैठ के करते हैं। मेरे ये सब शिष्य जो हैं जो आश्रम में रहते हैं और शरीर से और मन से बरसक सेवाओं को उपलब्ध कराते हैं ताकि आप लोगों को इन सद ग्रंथों का, इन पुस्तकों का लाभ मिल सके। सो शिवोहम नाम से ये पुस्तक आज शिवरात्रि के दिन इसे हम आप सबके लिए उपलब्ध कराते हैं। पहले तो मैंने ऐसा विचार किया था कि हम लोग अपने आप से जो कर रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हम जो करने जा रहे हैं उसकी खबर आपको भी रहे, ताकि अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सके। आप सब जानते ही हैं फरवरी के महीने में पुलवामा में जो घटना घटी, हमारे सैनिक CRPF के जो सैनिक मारे गए बम लगा करके, RDX लगा करके, उनको छिथड़े उड़ गए। मैं तो सोचती हूँ कि खाली ताबूतों में रखा क्या होगा, क्योंकि मैंने कुछ कुछ सोच के देखी है कि जिसमें करीब 49 शरीर गए हैं, चिथड़े भी नहीं मिले, तो हाथ और पैर और उंगली भी कैसे सब्जी होगी, तो घर वालों को क्या दिया होगा। तो CRPF के साथ हुआ और उसके बाद से आज भी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मिलिट्री LOC ब्रेक हो रही है, वहाँ से फायरिंग हो रही है। कल की भी खबर थी, एक ऑफिसर और 4 जवान आर्मी के वो शहीद हुए हैं। सरकार ने, हमारी देश की सरकार ने एक अकाउंट बनाया है जिसमें आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस माने CRPF, BSF इन सब के जो भी शहीद होते हैं उनको, परिवारों को, देखिए हम इंसान के बदले इंसान तो नहीं दे सकते, लेकिन उस परिवार का सपोर्ट सिस्टम तो पूरे देश को बनना चाहिए। उस सैनिक की, वो एयरफोर्स का अभी जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें 6 एयरफोर्स के हमारे स्क्वाड्रन लीडर थे जिनके शरीर गए हैं, और रोज कुछ ना कुछ हो रहा है इस देश पर, अंदर से बाहर से इतना घात हो रहा है,
इतनी चोट पहुंचाई जा रही है, तो ऐसे में हम लोग बैठ कर के सिर्फ चुपचाप नहीं रह सकते हैं, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। यही सोच करके मैंने हमारे हरिमिलन जी से बोला कि आप बात करिए। तो आम तौर पर ज़्यादा करके जिनका पता है और वो हमारे ऐसे सब कोई अभियान हम शुरू करते हैं तो उसमें वो पैसे देते ही हैं, तो इन्होंने उन सबको कहा कि भी अब आप जो करना चाहें तो ज़रूर करिए। आश्रम की तरफ से हम 11 लाख रुपया से अकाउंट हमने खोला कि 11 लाख आश्रम की तरफ से होगा। हमारे बहुत से जो मुंबई से हैं चेतन, उनका 5 लाख इधर बैठे हैं, बहुत सारे अमरीश हैं, कोई 2 लाख, कोई 1 लाख, सब ने अपना, एक लंबी सूची बन गई है जिसमें कई लोगों ने अपने नाम पहले से दे दिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार हम आपको सूचित कर दें ताकि अगर आप उसमें अपनी राशि कुछ देना चाहते हैं ज़रूर दें। अगर आप पहले से दे चुके हैं तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने अपनी इस जिम्मेदारी को, भारत का नागरिक होने के नाते, भारत पे आई हुई ये जो बुरे बादल हैं जिसमें हमारे अपने भारतवासी मारे जा रहे हैं, जो हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए जाकर के सीमाओं पर गोली खाते हैं, सर्दी गर्मी बरसात में खड़े होते हैं और दिन रात चौकसी करते हैं, हमें उनके लिए बढ़ चढ़ करके शामिल होना चाहिए। मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ, थोड़े ही जैसे ही खबर आती है तो जो हमारी डिफेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, महिला डिफेंस मिनिस्टर है, मुझे बड़ी खुशी है कि एक महिला हमारे इस देश की डिफेंस मिनिस्टर है और हमारे देश की खैर फॉरेन मिनिस्टर भी एक महिला है, सुषमा स्वराज। तो इस महिला को इस मुश्किल वक्त में कितनी वो जिम्मेदारी के साथ अपने काम को कर रही हैं, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलके उन्हें बधाई भी देनी थी। और यह कि हम, हमारा ऋषि चैतन्य ट्रस्ट और हमारे सब शिष्य और हमारे सब प्रेमी, हमारी भारत की सेना, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ हैं, उनकी पूरी सपोर्ट में हैं, उनके लिए हम और तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गोली वो खा रहे हैं, दिन रात वो लड़ रहे हैं वहाँ पर, लेकिन हम कम से कम 2 काम करें। अगर आप पैसा दे सकते हैं ज़रूर दीजिए, अगर आप पैसा नहीं दे सकते हैं किसी भी वजह से कम जहाँ कहीं भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवल, किसी ऑफिसर, किसी जवान को आप देखें, उनको आदर दीजिए, उनका सत्कार कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, सलूट करिए। वो गोली खाते हैं, वो नौजवान गोली खाते हैं ताकि तुम्हारे नौजवान बच्चे घर में रह सके। तो हम उनके लिए जो करें उतना ही थोड़ा तो सम्मान देना, और इस सरकार के बनाए फंड में अपनी अपनी हिस्सेदारी को अगर हम देते हैं तो मेरा ख्याल है ये शिवरात्रि और भी अच्छी और भी बेहतर और भी सुंदर हो जाएगी। आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत आनंद भरी बधाई हो। बोलो शंकर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की जय।